हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे अभी 8:30 और मैं हेयर वॉश करके नहा के आ चुकी हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, आज मैं उठी लेट, पूजा के पापा ने चाय दे दी तो चाय पी के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पता है क्या, रोज हम अपने हाथ की पीते हैं तो एक दिन वैसे तो पीछे से बना देते हैं। जब भी मैं सोई होती ना, मुझे कभी गाइस नहीं उठाते, अपने आप चाय बना के मुझे भी दे देते हैं कि हेमा उठ जा चाय पी ले। तो अगर उठते ही किसी को एक कप गर्म गर्म चाय मिल जाए, और चाय की तो मैं आपको पता है मुझे काफ़ी वो रहती है कि सुबह उठते एक कप चाय मिल जाए, मेरे में चुस्ती आ जाती है। तो बस वो चीज़ अगर आपको उठते ही किसी और के हाथों की बनी हुई मिल जाए तो बस उसके बाद तो अपने आप ही दिन सब बन जाता है। मैं उसी के बाद उठी और फटाफट नहा के मैं आ गई। तो गाइज, अभी जाती हूँ पूजा के पापा भी बहुत सारे कपड़े अपने रोज के जो कपड़े हैं वो प्रेस कर रहे हैं, कहते हैं मैं इकट्ठे करके रख देता हूँ। मेरे भी एक दो सूट कर दिए, अपने भी कर रहे हैं, वो फ्री खड़े थे क्योंकि काम थोड़ा आजकल वैसे आपको पता है शाद है तो थोड़ा कम होता है, और कहते हैं दुकान पर कटिंग कर लूँगा, तो फ्री खड़े थे, उन्होंने अपना वो सब कर लिया। तो अब जा रहे हैं नहाने, तो मैं भी बनाती हूँ गाइस अपना जो ब्रेकफास्ट बनाना है वो बनाती हूँ। तो गाइस, यहाँ रख दिया मैंने चाय अदरक वाली, बस काकू कह रहा है, काकू भी उठ गया है, मैं भी बनाती हूँ चाय और पूजा के पापा नहाने गए हैं, तो सबकी एक बार दोबारा से चाय बनाती हूँ और साथ साथ बनाती हूँ पराठा। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने नाइट सूट वेयर नहीं किया, तो इसीलिए नाइट सूट नहीं किया, मैंने कहा चलो नहा ली हूँ तो पूजा के पापा कहते हैं ये बिल्कुल पतला सा है तो नाइट सूट मत डाल, सूट से ही अपना दिन की ब्लॉग की स्टार्ट कर, मैंने कहा ये तो ठीक है। बस गाइस, अब चाय बन रही है, चाय साथ साथ रख दी है, तो बस अब आगे का काम करते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। हो गए रेडी? हो गए। मैंने कहा वो तो सबको बड़े पसंद आए हैं भटूरे। अच्छा। हाँ, तो काफी कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि भटूरे बहुत अच्छे बने हैं। हैं? ये शर्ट कैसे गीली हो गई आपकी इतनी? गिर गया पानी। पानी गिर गया, चलो कोई नहीं। तो बाकी सबने बड़ी तो वो करी है। चलो अच्छी बात है। हैं? आपने खाए नहीं खाए पहले ये बताओ। मैं तो खाया था, तीन भटूरे खाया। हैं? तीन खाया। तीन खाया ना? मैंने भी दो खाए थे। दो खा गई, मुझे टेस्टी लगे बहुत। पता है मैं एक बात बताऊं, तो जो हम खाते हैं ना बाहर के, उससे काफी लाइट थे, उससे काफी लाइट थे, खाने में टेस्टी लग रहे थे। हाँ, तो ये लग रहा था बस है। नहीं नहीं नहीं, कम से कम महीने में एक बार ही भटूरे नहीं खाते। बाजार के खाने से तो लागू ना सही है, बाजार में तो सही है, तेल नहीं सही होता ना। अच्छा एक ये बताओ, जब हम वहाँ रहे ये पटेल नगर थे, सड़क पार से आप एक वो लाते थे कई बारी, ये छोटी कचौड़ी जो हम तिलक नगर खाते हैं, वो किसका अचार देता था वो? वो जो बड़े बड़े से वो आलू जैसे क्या होते हैं लंबे लंबे से, कचालू किसका अचार था? कभी तो घी का भी होता है, वो घी का अचार भी देता था ना, और एक कचालू का भी देता था। ₹50 मिलता है क्या? वही आलू वाले वो अचार। आलू का नहीं, वो कचालू का और उसका अच्छा अच्छा अचार में नहीं थे। पंजाब वहाँ पे पंजाब स्वीट नहीं था वो, पंजाब स्वीट करोल बाग। हाँ, करोल बाग से, करोल बाग का भी उसका बड़ा टेस्टी होता था। पर मेरे को ना वो बनाना है अचार, वो वाला ये जो मैं गलगल नहीं जो उसका खाती थी मैं पूड़ी उसके साथ, मुझे उसका अचार बड़ा टेस्टी लगता था। घी का होता है, घी का अचार टेस्टी बनेगा? हाँ, सारे घी का बनता है, घी का वो हटा दो ऊपर का ना, क्या अंदर का सारा मसाला निकाल देते हैं उसका। अच्छा, वो स्किन स्किन रह जाती है, बाकी बीच वाला सारा हटा दो, जो लूज लूज सा होता है पल्प हटा दो, वो रह जाएगा उसका, फिर वो कर दूं वही बनता है उबाल के ना उसको, उबाल के। अच्छा चलो बनाती हूँ। मैंने देखा है ऐसी चीजों के साथ ना कुछ थोड़ा सा हट के ज्यादा टेस्टी लगता है। है खीरे का, प्याज का तो सुना है मैंने, प्याज का अचार तो बनाऊंगी, मैंने सुना है प्याज का अचार बड़ा टेस्टी बनता है। ठीक है, और मुझे उसका बताओ क्या करना है, ये जो अब कितना श्राद्ध चल रहा है, छठा है पांचवा है? नहीं दीदी बता रही थी छठा या पांचवा ऐसा है, मुझे पक्का नहीं, छठा है, छठा है शायद। हाँ चलो जो भी होगा, अब ये बताओ उसके वहाँ चलना है नहीं चलना है, ये आठवें पे जो महालक्ष्मी की वो पूजा होती है, महालक्ष्मी का व्रत होता है जो अष्टमी बार उस पर आता नहीं है, आठवें श्राद्ध पे, जिसमें कोई भी आप शुभ काम कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो है। तो उसमें दीदी कह रही है कि मैंने दीदी को कहा आप भी चलना, दीदी जिया जी को बोला है तो आप भी चल पड़ना, और पूजा को भी बुला लूंगी, पूजा मन्नू को भी। हाँ वो तो जवाई है, चलो घर के बेटी है, उनको दो दोनों को भी है। आप मैं क्या करूँगा अगर उसके पापा आए तो फिर? अरे सारे पापा उसके पर आप भी चलो ना, कोई बात नहीं, चल पड़ना आप भी, अभी देखते हैं इसका है।
पर नहीं, अब मैंने ना मूड बिठा लिया है एक बारी, मैंने ना अब सेट कर लिया माइंड को कि काकू की कर देंगे, टाइम से कमल हो जाती है, जो काम हो जाती है, जो लेट हो जाता है वो लेट हो जाता है, ठीक है। साल भी हो जाएगा अब, हमारे घर में ये है कि एक साल में दो शादियां नहीं होती, पर नवंबर के बाद जब मर्जी कर सकते हैं। और इस बीच काकू का भी थोड़ा सा, और कई तो कमेंट चाह रहे थे काकू सेट हो जाए थोड़ा और, काकू जॉब करता है तो होना नहीं, अभी भी है उसकी सैलरी, पर जो शादी का खर्चे होते हैं ज़्यादा होते हैं, वो करने के लिए थोड़ा और अच्छी सेटिंग चाहिए होती है, ठीक है ना। चलो आप रेडी हो गए, आप भी शॉप पे, और दोपहर को क्या खाना है आज? हल्का फुल्का नहीं, आज जो आपके लिए बनाऊंगी मैं, ठीक है। गाइस पूजा का पापा गए ना, तो थोड़ी देर मुझे नींद आ गई, पता ही चला सो के उठी, आधा एक घंटा पूजा का पापा 9:30 बजे चले गए थे, तो मैं 10:30 तक सो गई। अब मैं जैसे उठी मैंने देखा 10:30 है, मैं कहा फटाफट डस्टिंग करती हूँ, रूम आने वाली होगी तो बस अब अंदर जाती हूँ, कमरे से स्टार्ट करती हूँ तो डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद जैसे ही बस होगा तो रूम। कल थोड़ा लेट आई थी मेरे पास, तो मैंने कहा उसको जल्दी आ जाएगा, टाइम से काम मेरा निपट जाता है, तो मुझे लगता है वो आने वाली होगी, उससे पहले जब से वो आए, जब तक वो आए तो पहले मैं डस्टिंग कर लेती। काकू हाँ, वो मासी से भी मेरी बात हुई थी, छुट्टी ले लियो तू, देखते हैं छुट्टी मिलेगी तभी ले पाऊंगा ना। पर बेटा ये तो लेनी है ना, देख देखते हैं कब मिल पाती है, कब आपकी डेट होती है, पता नहीं है ना। नहीं ये 8:00 रात पे, 8:00 रात पे हाँ आज है, 6 है मेरे ख्याल से, 5वां 6 ऐसी है, तो ये 2-3 दिन का तेरे को छुट्टी लेनी लेनी है। अभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा, दीदी जी आई तो मुझे बोलेंगे ना कि, तो जिस दिन छुट्टी मिलेगी मुझे फिर उसके बाद सीधा फिर आएगी बात, या तो उसके नवरात्रों पे, या फिर ये है बीच में एक दिन, काकू पर जो काम करना है तो कर लेना, पर जो काम होना है तो वो हो जाएगा ना, टाइम से हो जाएगा, मैं तू भी तो शादी तेरी टाइम से हो जाएगी तो निपट जाएगा। कपड़े तो नहीं लेने ना, तू कहे फिर कहे कपड़ा नया ले तो है, हाँ नया नहीं कहे तो अंदर से कुछ निकाल दो, कोट निकाल दो तेरा, शेरवानी पहन लेता हूँ, बिल्कुल शादी के लिए तैयार बैठा हूँ, है ठीक है। चल मैं मासी से बात कर लेती हूँ, पर ट्राई करके मुझे बता दे एक बार, ठीक है। और वो तेरे को पता है ना ये उधर जा ये वाला जो आता था 8वां वाला जो महालक्ष्मी का वो होता है, तो जब वहाँ रहते थे नानी के उधर जाते थे तो वो बनाती थी नानी हलवा बनाती थी, और नहीं इसके साथ होती थी मट्ठी या पूड़ी, मट्ठी होती थी मेन, मिट्टी का ना वो होता है घोड़ा, घोड़ा मिट्टी का घोड़ा होता है, और सबके हाथ में पीले धागे वो बंधे होते हैं, तो ये महालक्ष्मी के व्रत में होते हैं, पीले धागे बंधे होते हैं सबके हाथ में, और ये प्रसाद बनता है शाम को, और कथा होती थी, कथा होती थी, तो मेरे को भी कथा याद है थोड़ी बहुत, मैं नानी घर बैठती थी ना, नानी खरीदनी क्या होता, ठीक है देखे उम्र के हिसाब से सब कुछ होता है, उस समय पहले होता था नानी आराम से, पर ये तो करती है ना, डैडी भी होते थे दोनों मिलके इजली करते थे ये काम, हाँ तो शाम होती थी, नाना जी होते थे, हाँ नाना जी काफी हेल्प करते थे, हाँ तो हाँ नाना जी बहुत हेल्प करते थे पहले के ना, मैंने देखा है पहले के जो होते थे वो काफी लोग जो होते थे सब होते थे हमारे, तेरा 14 साल पुरानी बात है, जब तक काकू नहीं आएगा चाय नहीं बनाऊंगा, तो नाना जी क्या कहते हैं आइसक्रीम बनाते थे वो कौन सी, रूह अफ़ज़ा वाली हाँ, दूध डाल के वो बातें रह जाती है ना, नाना जी वो कई बार टिक्की बनाते थे मटर वाली, नाना जी हाँ, और आम के साथ भी रोटी खाते थे नाना जी की ना, कई चीजें होती थी फेवरेट थी नाना जी, हाँ डैडी हमारा ये चीजें खाते थे,
ना मम्मी नहीं खाती कुछ भी, मम्मी कुछ नहीं खाती, डैडी खा लेते थे। डैडी डोसा वगैरह भी कभी हम कहते थे ना खा लेते थे, हाँ डैडी खाते थे, मम्मी नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। इसमें पता नहीं क्या हुआ, इस पौधे में अचानक से ही इतनी कलियां मैंने कल देखी, मैंने कहा देखो कितने आ रखी हैं अचानक से ही, इतने नहीं तो पहले नहीं आते थे कभी इतनी। दो इसमें आ रखे हैं, ये एक दो ये है, और यहाँ भी देखी मैंने गाइस सब में ही फूल आ रहे हैं, देखिए सब में ही फूल है इसके अंदर, टोटली फूल आ रहे हैं। ये देखो ये तो बहुत अच्छा हो गया, और बड़ा भी बहुत है गाइस, ये बड़ा भी बहुत है, लेकिन बीच बीच में ना पीले भी हो जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा भी है और फूल भी अब तो काफ़ी आ रहे हैं इसके। गाइस मेरे पास एक कमेंट आ रखा था कि हेमा आंटी तो काकू के लिए पूजा के लिए पंडित से बात करती है, कुंडली मिलवाती है, तो हाँ गाइस मैं बिल्कुल कुंडली मिलवा के ही शादी करवाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल भी वो नहीं होता कि ठीक है, वैसे मुझे लगता है कि स्मूथली चलता है सब कुछ, आजकल के टाइम में लोग नहीं इतना मानते, लेकिन मैं मानती हूँ और मैं दिखा के ही काम करती हूँ, और मैं नहीं मेरे जैसे कई जो माँ बाप हैं वो मिलवा के ही करते होंगे, ज़्यादातर तो माँ बाप मेरे को लगता है मिलवा के ही करते होंगे, कई नहीं भी करते तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मिलवा के करो तो गाइस आगे चल के कोई प्रॉब्लम होती है तो ये नहीं कहते कि कुंडली ना देखियो तब नहीं मिल रही हो सकता है इनके गुण ना मिल रहे हो, तो हम तो ये सब देख के ही करते हैं कि गुण भी मिल रही हो, कुंडली भी मिल रही हो, सब कुछ मिल रहा हो, पूजा की भी यही देखी थी और काकू के लिए भी मैं यही करूँ। कमेंट से भी आ रखा था कि आपने भटूरे का आटा कितनी देर गूंद के रखा है, तो गाइस मैंने कम से कम आधे से पौने घंटे के करीब रखा था, उस बीच मैंने तड़का लगा लिया था, छोले बना लिए थे, आलू फ्राई कर लिए थे, मिर्ची फ्राई कर लिए थे, जब सब कुछ रेडी हो गया तो उसके लिए इन कामों के लिए आधा पौना घंटा लगा, साथ ही मैंने फिर उसके बाद भटूरे शुरू कर दिए थे, तो यहाँ पे लगा लो पौना घंटा लगा के चलो, क्योंकि अगर जब तक हम पौना घंटा नहीं रखेंगे, दही है उसमें बेकिंग पाउडर है कुछ भी है उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, और जो भटूरे की जाली है ना वो तभी आती है जब उसको थोड़ी देर आप रेस्ट में दोगे। तो गाइस बस अभी बैठे हुए थे, काम हुआ है घर का, तो उससे जैसे ही हमने सोचा फ्री हो गए हैं तो घर का रूम काम करके उसी बीच चली गई लाइट, और काकू कह रहा है मम्मी चाय पीने का दिल था, इस बीच लाइट चली गई, मैं कहा चल कोई बात नहीं आ जाएगी, कई बार ऐसा होता है 5-7 मिनट में भी आ जाती है, कई बार होता है 1 घंटे में भी आती है, तो मुझे भी टेंशन है, मुझे दोपहर का लंच बनाना है, अंधेरा है किचन में, तो देखती हूँ बाकी अगर नहीं आती तो फिर तो बनाना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि काकू के जाने का भी समय हो जाएगा गाइस, और पूजा के पापा का भी 1:30 बजे के करीब मुझे खाना देना ही होता है, तो वही इंतजार कर रही हूँ लाइट आ जाए, आ गई है काकू के पास आइए मम्मी लाइट आ गई, तो बस रखती हूँ चाय काकू के लिए, सबसे पहले कह रहा चाय बना दो, लाइट आ गई है ये लो फिर चली जाए, तो पहले चाय बना के मुझे दे दो, तो पता नहीं इसका दिल कर रहा है चाय पीने का, चाय के साथ क्या खाता है, लेकिन फिलहाल मुझे कह रहा है कि मम्मी चाय बना दो, तो गाइस जाके रखती हूँ अदरक वाली चाय पीती हूँ, तभी चुस्ती आएगी, मुझे भी ना बड़ी ऐसा लग रहा है ढीलापन सा, और काकू गया था नीचे BC+ की गोली लेने, शॉप है बंद केमिस्ट की, पता नहीं क्या चक्कर है आज खुली नहीं है, वैसे तो संडे को उसका आधा दिन रहती है, संडे को आधा दिन खुलती है, दोपहर तक ऑफ रहता है, बाकी अब मैं देखती हूँ, अब कहता है तो मैं लेके आता हूँ, तो मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, गया है मेरे को भी लग रहा था, मैंने कहा मैं भी एक BC+ की गोली खाती हूँ एक तू भी खा ले, पर लेकिन इतने में क्या हुआ वापस आ गया, तो चलो कोई नहीं दोपहर को पूजा के पापा का लंच देने जाएगा तो साथ वाले से अनमोल से गाइस ले लेगा, वो साथ ही बिल्कुल पूजा के पापा के साथ ही गए हैं केमिस्ट्री शॉप वहाँ से लेता, तो गाइस डिनर कर चुके हैं और बस पूजा के पापा भी सोने वाले हैं, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है, तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।